लद्दाख। अरे दोस्त अजीब चूतिया है साला, कभी इधर से कभी उधर से घुमाता रहता है। मेरी कॉल नहीं उठाएगा तो मेरी कॉल नहीं उठाएगा। हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी, स्वागत है मेरी नई YouTube वीडियो में। तो आई नो ये मेरा चैनल नहीं है, मेरे भाई का चैनल है, पर आज अपन जाने रसोगी से मिलने। तो ये रहे अपने भाई, देख सकते हैं। मेरा भाई बहुत देर से परेशान था, मैं काफ़ी दिन से फ़ोन कर रहा हूँ रसोगी के पास, तो कॉल नहीं रिसीव कर रहा है। तो आज करके पूछता हूँ कि क्या मतलब बात है। और अपन जा रहे हैं रसोगी के पास, आई मीन सागर रसोगी। तो रास्ते का भी दिखाते हैं, हाँ सागर महाकाल। तो रास्ते में जाने के बाद आपको वहाँ का भी दिखाते हैं, वहाँ से पहुँचने के बाद सागर का रिएक्शन दिखाते हैं, क्या रिएक्शन होता है उसका मिलने के बाद। और काफी टाइम बाद मिलने आ रहे हैं ना गाइस, आप पूरी वीडियो लास्ट तक देखना, बहुत मजा आएगा। काफी टाइम बाद मिलने वाले हैं ना सागर से, वो रोड आप, हाँ काफी दिन बाद, 3 महीने हो गया, 3 महीने। और जिस रोड से मैं जाऊँगा वो बिल्कुल नया रोड होगा, आपको इस वीडियो में कहीं नहीं दिखा होगा, तो आज मैं दिखाऊंगा। चलो चलो फिर आगे मिलते हैं। नहीं तो रॉन्ग साइड से नहीं जाना है अपने को, बस यहाँ से जाके राइट ले लेगा, उसके बाद जाते हैं। तो है गाइस, मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ और रस्तोगी से मिलने के लिए, और अभी देखता हूँ आगे की रिएक्शन क्या है। तो ये जो रोड है बस थोड़ी सा जाना पहचाना आपको लगेगा, आगे चल करके नहीं लगेगा, क्योंकि अभी आगे मैं कोई दूसरा रोड अपनाऊँगा और लाइव दिखाऊँगा आपको। तो इस जगह पर देख सकते हैं, यहाँ पर बैनर लगा हुआ है, बड़ी गाड़ियाँ नहीं जा सकती हैं, यहाँ पर बैन है। और इस जगह पे देखिए कुछ बच्चे मछली मार रहे हैं, जो कि हमारे इस कैमरे में आ रहे हैं, तो देख सकते हैं। और ये इसको देखिए कैसे रोक दिया जाता है। और इस रोड पे भी देखता हूँ क्या रिएक्शन होने वाला है, आगे चल करके दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो इसको ऐसे अजीब चूतिया है साला, कभी इधर से कभी उधर से घुमाता रहता है। और मौसम तो बिल्कुल लाजवाब है गाइस, यहाँ का मौसम लाजवाब ये है, गांव में पता नहीं क्या कैसा है, कभी धूप रहता है तो कभी छांव रहता है, और बादल देखिए कितना प्यारा सा है। और इस तरफ आप देखिए नज़ारा, जरा जंगल सा लग रहा है, बट ये जंगल नहीं है, पहले कभी हुआ करता था। और उम्मीद है कि मेरी वॉइस जो है आपको अच्छी आ रही होगी, और मैं बाइक को भगाऊंगा नहीं, क्योंकि रोड मुझे बिल्कुल खुली सी मिल रहा है, बट आगे चल करके खुला नहीं मिलेगा, आगे प्रॉब्लम आ जाएगा मुझे। एंड यहाँ का आगे जो गांव है वहाँ पे चूतिया टाइप का लोग घूमते रहते हैं, कभी भी अचानक से आ जाएंगे बाइक के आगे। इको में 94-93 जा रहा है, और इस जगह से देखिए अभी बंद हो गया है यहाँ पर, जो कि कट्स आगे कर दिया गया है, ताकि आगे गाँव है ना, तो इस वजह से लोग ये क्या करते थे, अचानक से सीधा वहाँ पार करने लगते थे, तभी एक्सीडेंट होता था यहाँ पे। और बाइक चलाने में मज़ा जब ही आता है जब वो हाईवे हो, मतलब सिटी के अंदर नहीं। और ये बच्चे देखिए मज़ा ले रहे हैं, ओह माय गॉड, पीछे वाला तो फेलते हुए आ रहा है भाई, फाड़ते हुए। तो भाई हम लोग कन्फ्यूज हो गए थे, और जिधर से मुझे मालूम था वहाँ से मुझे नहीं मालूम था, वहाँ से इसे नहीं मालूम था, वहाँ से मुझे नहीं मालूम है, और जहाँ से इसे मालूम है वहाँ से मुझे नहीं मालूम। आई मीन कन्फ्यूजन, तो कन्फ्यूजन को साइड में हटाते हुए मैं इधर से निकल रहा हूँ, आलमबाग होते हुए जाना पड़ेगा मुझे। एंड अभी देखता हूँ यार कहाँ पे बता रहा है, वैसे आलमबाग तो मुझे मालूम है और कृष्णनगर मालूम है, बट मैं कभी गया नहीं था तो इस वजह से मुझे नहीं मालूम है उतना। अरे बूंदे बारिश हो रही क्या, बारिश हो रही क्या बे? ओ भाई, और स्कूल पे वैसे भी काफ़ी जगह रहता है, तो आराम से यहाँ पे निकल सकते हो इजीली, कोई नो टेंशन, बेफिक्र होके बाइक चलाइए। व्यक्ति भाई नीचे से जाकर के आंखों में आता है भाई, जितनी मिट्टी उड़ रही है मेरे आंखों में आ रहा है उड़ करके। कुछ काम चल रहा है इस जगह पे, और यहाँ पे ब्लैकर टाइप का कुछ बनाया गया है, और यहाँ पे कुछ करी है। और किस्मत देखो कितना अच्छा, आज की दिन भी संडे है यार, संडे राइट। हो सकता है मौसम गजब का है रस्तोगी, हो सकता है यार शायद आज ऑफ हो उसका है, क्यों जा रहा लद्दाख, दूर से हर चीज अच्छा लगता है।
ऐसे जाते हैं लद्दाख। गाइस आज का सिग्नल बंद है और नो एंट्री चालू है, तो इजीली यहाँ पे कोई जाम नहीं, आराम से निकल सकते हैं। प्यारी समझ गई। ये कानपुर रोड है जो कि अभी ये मेरे को नहीं मालूम है, अपना रोहन बताएगा कहाँ पे इसका क्लिनिक है और जहाँ ये बोलेगा वहीं तो रोकूंगा। एंड मेरा तो ये सिग्नल चालू था इस वजह से मैं निकल आया, और आगे वाला तो पोस्ट बंद है यहाँ पे, और धीरे धीरे चल रहा हूँ ताकि वो अभी ऑन हो जाए। और यहाँ पे कुछ काम चल रहा है तो बहुत आराम से इधर निकलना चाहिए जल्दबाजी ना करते हुए। और रोहन तो कुछ बोल भी नहीं रहा है, पीछे बैठ करके देख रहा है। तो ये अपन आने वाला है ट्रांसपोर्ट नगर, मुझे अगर मालूम होता तो मैं इधर से नहीं आता, जिधर से पहले एंट्री किया था उधर ही से आता। एंड मुझे नहीं कंफर्म मालूम था तो ये रोहन ने बताया चलो इधर से चलते हैं, तो ठीक ही हुआ इधर से आ गए, मुझे कंफर्म नहीं था कि ट्रांसपोर्ट नगर है बट अमौसी आगे है, तो अमौसी बस पहुँचने वाले हैं हम लोग। तो भाई यहाँ से अभी निकल लिया हूँ मैं ट्रांसपोर्ट नगर से, जगह पे देखिए बिल्कुल सन्नाटा सा दिख रहा है जो फैजाबाद रोड गई है, और अपन यहाँ से एंट्री करते हुए निकल रहा है। और ये आ गया अमौसी एयरपोर्ट, तो यहाँ पर भी थोड़ा सा ट्रैफिक लगा हुआ है। एंड ट्रैफिक किस लिए है, यहाँ पे कट्स है इस वजह से, और ये एयरपोर्ट के लिए रोड गई है यहाँ पे देख सकते हैं। और मुझे तो अभी सीधे ही चलना है, चलो यहाँ से अभी राइड लेते हैं। अच्छा ये क्लिनिक रही, बस और जाके बुला के ला। तो ये रही अपनी राइडर बाइक, और देख सकते अपना हेलमेट विनोद भाई जाते हुए उसको बुलाने के लिए, देखो गए। अरे वो तो अंदर चलेगा, मैंने तो बाहर बुलाने के लिए कहा था, देख सकते अंदर से झांक रहा है वो। हमारे रस्तोगी भाई, इनको कितना भी कॉल करो ये उठाते नहीं है क्योंकि बड़े लोग हैं ये। ये आ रहे हैं बड़े लोग यूट्यूबर, बिग फैन सर। सर ऑटोग्राफ, सर ऑटोग्राफ, ऑटोग्राफ मिल सकता है सर? आप कॉल क्या नहीं उठाते पहले ये बताइए, किसी भी नंबर से लगाया तब भी नहीं उठाते? बाई चांस कोई अर्जेंट कॉल हुआ या फिर समथिंग ऐसे कुछ तो उठाओगे नहीं? साले मेरी कॉल नहीं उठाएगा तू, मेरी कॉल नहीं उठाएगा। थोड़ी देर बाद निकलने वाले हैं और देख सकते हैं बातें चल रही है। कितना बातें करोगे, कितने साल बाद मिले हो, चाय की टपरी होने के बावजूद भी चाय नहीं मंगा रहे कोई बता, इन्होंने बोल दिया कि चाय खराब है। प्रमोशन कर रहे थे भाई कुछ अपने यूट्यूब चैनल का, प्रमोशन कर दो, बहुत सब्सक्राइबर है अपने। रस्तोगी ब्लॉग्स।